लड़का तो नया है, ये कल वाला तो नहीं है। अल्लाह माफ करे, दोनों माँ बेटियों ने ना पूरे मोहल्ले में गद मचाया हुआ है। आती एक के साथ है, जाती दूसरे के साथ। मैं बता रही हूँ अम्मी आपको, यकीनन ये फुलझड़ी भी ना राबिया खाला ने छोड़ी होगी। बहुत ही फारी औरत है वैसे। बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि जरा मोहतात रहा करो, बस तुम्हारा ये सेमेस्टर खत्म हो जाए ना, फिर जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूंगी। फिर आफे की अम्मी भी जल्दी शादी का कह रही हैं। अरे आप मेरी बात तो सुने, क्या कह रही हैं आप? अरे नहीं नहीं पापा, ये सब झूठ है, किसी ने गलत कहा है आपको। आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरी बात सुने। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ अम्मी, सब ठीक तो है ना? ये कुछ भी ठीक नहीं। पर बताएं तो सही, किसका फोन था? अम्मी मैं इस तरह परेशान हो रही हूँ, प्लीज बताएं। आपकी अम्मी का क्या कहा उन्होंने? रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। क्या? हाँ। उन्होंने कहा कि मंगने की चीजें वापस कर दे। और मंगनी खत्म करने की वजह नहीं बताई उन्होंने? उन्होंने कहा कि तुम्हारा किसी मौसम नामी लड़के से चक्कर चल रहा है, और बल्कि एक ने कई लड़कों से तुम्हारी दोस्ती है, जो तुम्हें घर तक छोड़ने आते। मैं जानती हूँ ये किसका काम है। राबिया खाला, आयशा, ये लड़की ना, आयशा मेरी बात सुनो। कौन है भाई, दरवाजा इतनी जोर जोर से पीट रहे, सबर करो। कौन है भाई तुम, जो ये इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही हो? अगर ये टूट गया तो तुम्हारा बाप लाके लगाएगा नया दरवाजा। हाँ दिल तो कर रहा है दरवाजा नहीं आपका सर तोड़ दूं। शर्म नहीं आती आपको लोगों के खिलाफ बहुतान लगाते हुए? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना सीधी हो जाएगी, चल निकल यहाँ से। अरे क्या हो गया, क्या हो गया तुम्हें? चलो नहीं अम्मी छोड़े मुझे। अरे क्यों तमाशा बना रही है यहाँ पर? तमाशा मैं बना रही हूँ? तमाशा ये बना रही है? क्या चाहती हैं आप? हाँ क्या बिगाड़े हमने आपका? क्यों हमें जीने नहीं दे रही? क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है? मैं हाथ धो के पीछे पड़ गई हूँ? मैं तो वही कह रही हूँ जो सारा मोहल्ला बोल रहा है। क्या हो बेटा, क्यों इतना गुस्सा हो रही है? अंकल राबिया खाला ना मेरे बारे में बातें कर रही है लोगों से कि मेरा मोहल्ले के कई लड़कों से अफेयर चल रहा है। थोड़ी कह रही हूँ। और ये मोहसिन भाई से भी मेरे बारे में तो न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोलती रहती है। लोगों से कहती है हराम कमाता हूँ मैं। हाँ तो क्या झूठ बोल रही हूँ, सच ही बोल रही हूँ ना? हाँ शकील भाई, राबिया की बातों की वजह से ना इसके ससुराल वालों ने रिश्ता खत्म कर दिया। तो भाई जाहिर सी बात है उन लोगों ने पूछ गछ करवाई होगी, पता चल गया होगा इसके लक्षण के बारे में। राबिया अपनी जबान को लगाम दो। अंकल अगर मैं यूनिवर्सिटी में लड़कों के साथ पढ़ती हूँ या मेरी अम्मी मर्दों के साथ काम करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक है। बेटा मैं इसकी तरफ से तुम लोगों से माफी मांगता हूँ। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो उनसे? माफी तो तब देना अगर शर्मिंदा हो अपनी बात पे, इनको तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। सुन रहे हो तुम, देख रहे हो लड़के को जो तो समेत मेरी आंखों में घुस रहा है? राबिया खाला डरे हैं अल्लाह से, एक वक्त आएगा जब आपको आपके किए की सजा जरूर मिलेगी। अपनी इस जुबान से जिससे आप लोगों के बारे में जहर उगलती है ना,
अल्लाह ताला आपको इसी के जरिए सजा देगा। अरे जा जा, आई बड़ी बद्दुआएं देने वाली, और तू ये क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है ये आंसू बहा के तू ये साबित करेगी कि तू सच्ची है, शरीफ है, बेकसूर है, सच्चाई बदल देगी? उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं। बस आ गया। क्या बस? बहुत हो गया। चलो अंदर। डरती नहीं हूँ मैं किसी से। चलो अंदर। चलो अंदर। चलो। माफ कर दो बेटा, माफ कर। इस जाहिल के मुंह क्या लगना? ये तो पागल औरत है, पागल। क्यों करती हो तुम इस? क्या मिलता है तुम्हें लोगों पे झूठे इल्जाम लगा के, उनके बारे में झूठी खुराफात बक के? जो सच है ना वही का है सबके सामने, इसीलिए तो आग लग गई है। और तुम मुझे एक बात बताओ, उसकी मंगनी क्या मेरे कहने पे टूटी है? हाँ, उन लोगों ने जांच पड़ताल करवाई होगी, उन्हें पता चल गया होगा इस लड़की के लक्षण। अब इतनी आवारा लड़की को कौन ब्याह के लेके जाएगा? चुप कर जाओ वरना। बादशाह, दिल छोटा मत करो बेटा, इंसान के नसीब से ज्यादा उसे कहाँ मिलता है। अल्लाह के साथ तुम देखना, वो तुम्हें बहुत नवाजेगी, बहुत। अम्मी, मुझे मेरी मंगनी टूट जाने का कोई दुख नहीं है। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई है। अम्मी, अम्मी मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी वजह से आपका सर झुक जाए, कभी ऐसा नहीं चाहती। ना मेरी बच्ची, ना रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना। इज्जत जिल्लत तो अल्लाह ताला के अख्तियार में है बेटा। इंसान कब से बख्तियार होने लगा कि वो किसी को जिल्लत दे सके? परेशान मत हो मेरी बच्ची, वो एक लेकर 72 देने वाला है, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन नवाजेगा वो तुम्हें, बहुत नवाजेगा वो तुम्हें, बहुत नवाजेगा। बस। और मेरा बच्चा, तुम ना वो सारा सामान निकाल देना जो उन लोगों ने भिजवाया, मैं वो सब सामान उन्हें वापस कर दूंगी, ठीक है ना? बस मेरी बच्ची। सुना है कल खूब झगड़ा हुआ तुम्हारे दरवाजे पे? और नहीं तो क्या, सबके सब जूतों समेत आंखों में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, खूब बातें सुनाई है। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि चप्पलों से मारती, लेकिन भाग गए सारे। लेकिन उन लोगों तक ये बात पहुंची कैसे? कहीं तुमने तो? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? तौबा तौबा, मेरी बिल्कुल आदत नहीं है बोतान लगाने की। उस लड़के की माँ ना मुझे बाजार में मिल गई थी, मैंने पहचान लिया, तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया कि बहन तुम्हें अपने लड़के के लिए कोई खानदानी शरीफ लोग नहीं मिले थे जो तुमने इन आवारा औरतों से रिश्ता जोड़ दिया? अब तुम खुद बताओ भाई, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वैसे गलत किया तुमने, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। महल में तो सभी गुस्से से सौदा सल्फ मंगवा ही लेते हैं, और मैं भी अपने घर का सौदा सल्फ अक्सर उससे मंगवाती हूँ। मौसिन ने कभी मना नहीं किया, और वो तो मेरे घर का बिजली का बिल भी अक्सर जमा कर देता है। चलो मान लेते हैं कि मौसिन के साथ उसका चक्कर नहीं था, लेकिन बहन तुम बताओ जरा, ये जो नई नई गाड़ियाँ आती हैं नए नए लड़कों के साथ, उनका क्या? अरे वो मेरे शौहर बता रहे थे,
वो कोई टैक्सी होती है, वो क्या कहते हैं उसको, दिखने में तो वो आम सी गाड़ी लगती है लेकिन उसे मोबाइल फोन के जरिए बुलवाते हैं। अब बस कर दो, पर्दा मत डालो तुम उन पे। 3 साल से मेरे घर के सामने रह रही हैं, बहुत अच्छे से जानती हूँ उस कुलसुम और उसकी आवारा लड़की को मैं। चाय पियो, ठंडी हो रही है। और तुम क्या देख रही हो, तुम भी चाय पियो। आपसे और आशा बेटी से हाथ जोड़ के माफी मांग, राबिया ने जो कुछ किया बहुत गलत किया, और ऐसा नहीं है कि मैं उसे समझाता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, उसकी उसकी आदत तो पक्की हो चुकी है। और राबिया की इसी आदत ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया। शकील भाई, आप नहीं जानते, पूरे मोहल्ले में हर घर में चेमगोइयां हो रही हैं हमारे बारे में। लोग हमदर्दी के बहाने आकर कैसी तकलीफ से बातें कर रहे हैं आप नहीं जानते। बस इसलिए हमने सोचा है कि ये मोहल्ला छोड़कर चले जाएं। हैं? कहाँ जाएंगे आप लोग? दूसरी जगह पर किराए का मकान देखा है हमने। आपका तो अपना घर है, आपको भला कौन निकाल सकता है। और राबिया ने जो जो बातें हमारे मुतल्लिक फैलाई है ना, उसके बाद हमारा यहाँ रहना मुहाल हो गया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहना चाह रहा था। मैंने मोहसिन की वालदा से बात की, बहुत अच्छा हो अगर मोहसिन और आयशा बेटी का रिश्ता हो जाए तो उन्हें कोई एतराज भी नहीं है इस रिश्ते। शकील भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे ये नामुमकिन है, कैसे हो सकता है ये? इस तरह तो राबिया का लगाया हुआ हर इल्जाम सच साबित हो जाएगा। क्या बताऊं, बस मैं तो ये चाह रहा हूँ किसी तरह से हमारी गलतियों का अजाला हो जाए। अगर आप अजाला ही करना चाहते हैं ना तो पहले अपनी बीवी को रोके। जीना हराम करके रख दिया लोगों का। उसे बताएं शकील भाई कि किसी की पीठ पीछे बात करना गीबत होती है और ये बहुत बड़ा गुनाह होता है, और वो ऐप जो दूसरों में ना हो उससे मंसूब करना बहतान कहलाता है। और आपकी बीवी ने तो बहतान और ऐप जोई कर करके दूसरों का जीना हराम करके रख दिया, और आप भी उसका साथ दे रहे हैं उसे ना मना करके। ऐसी बात नहीं है बहन, मैं उसे बहुत समझाता हूँ, लेकिन उसकी आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि वो, मैं आपसे क्या बताऊँ, हमारा तो इस बात को लेके कई बार झगड़ा भी हो चुका। और तो और मेरे अपने, मेरी बहनें मुझसे दूर हो गई। बहरहाल अल्लाह उसे नेक हिदायत दे। मैं तो बस आपसे मदद करने आया था, और अगर मेरे लायक को खिदमत हो तो जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका, मैं तन्हा जरूर हूँ लेकिन मेरे अल्लाह पाक ने हमेशा मेरा साथ दिया है, कभी मुझे अकेले नहीं छोड़ा। ठीक है बहन, इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अरे लुबना इधर आ, कहाँ जा रही है? अरे यहाँ अपनी बहन के घर जा रही थी, नया घर लिया ना उसने। अच्छा, इसी मोहल्ले में? हाँ यही घर लिया है ना, बताया तो था मैंने। हाँ मुझे तो याद ही नहीं रहा, अपना लिया या किराए का है? अपना लिया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है। सच्ची? भाई बहुत बहुत मुबारक हो। शकील इस वक्त इसके घर पे? राबिया, राबिया, अरे छोड़ मुझे, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई, मेरी नाक के नीचे तुम ये गुल खिला रहे हो? क्या बकवास कर रही हो? अच्छा तो मैं बकवास कर रही हूँ, तुम इस आवारा के घर में घुसे क्या कर रहे थे? मैं कुलसुम बहन से माफी मांगने गया था। अरे वाह, मेरे सामने इसको फौरन बैन कर दिया तुमने। राबिया कुछ तो शर्म कर लो। अरे बस कर दो, मुझे और मेरी बेटी को तो नहीं बख्शा, अब कम से कम अपने शौहर को तो बख्श दो। अरे तुम क्यों नहीं बख्श देती मेरे शौहर को? हाँ रोजाना इतने मर्दों से मिलती तो हो ना, तो फिर इसको क्यों घर में घुसाया आपने? शकील भाई
अपने बीवी की जबान को लगाम दे या फिर इसे पागल खाने दाखिल करवाए। अरे शुक्र है अल्लाह का, हम तो इस अजाब से जान छुड़ाकर जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ, जाके ये गन कहीं और फैलाओ, क्योंकि इस पूरे मोहल्ले को तुम्हारी असलियत जो पता चल गई है। अरे जाओ, मेरी क्या असलियत, तुम्हारी असलियत जानते हैं। पता भी है लोग मोहल्ले में क्या क्या बातें कर रहे हैं तुम्हारे लिए? सुन लिया क्या बातें करते मोहल्ले वाले? चलो बाहर में जाए, मोहल्ले की बातें चलो बोलूंगी मैं। चलो चलो बदतमीज, चलो अंदर आ। छोड़ो मेरा हाथ। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों ऐसी बेहुदा बकवास बातें करती हो? छोड़ क्यों देती हरकतें? अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। घर घुसते तुम्हें मौत पड़ती है। रात 9 बजे से पहले तुम अपने दफ्तर की कुर्सी नहीं छोड़ते हो। और अगर आज जल्दी आ भी गए थे तो बजाय इसके के घर आते, तुम उस कुलसुम के घर पहुंच गए हो। बताया था कि माजरत करने गया था वहाँ पे। तुमने उन पे जो इल्जामात लगाए थे उसका अजाला करने गया था। अव्वल तो माजरत करने की कोई जरूरत नहीं थी, और अगर इतना ही दिल मचल रहा था ना तुम्हारा माजरत करने का, तो घर से बाहर खड़े होके माजरत कर लेते, घर में घुसने की क्या जरूरत थी? सारी हदें पार कर गई राबिया, हद होती है। तुमने मुझ पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी है। अब मुझे समझ में आ रहा है क्या गुजरती होगी उन लोगों पे जिनके तुम किरदार कुशी करती हो, जिन पे तुम इल्जाम लगाती हो, बोहतान लगाती हो। मैं बता, कल सुबह मेरे उठने से पहले इस घर से दफा हो जाना, वरना मैं तुम्हें धक्के देके यहाँ से निकाल दूंगा। अरे ऐसे कैसे निकाल दोगे तुम्हें जे घर से? ये मेरा घर है, तुम मेरे घर से नहीं निकाल सकते। देखो देखो देखो, अगर तुम चाहती हो ना कि मैं गुस्से में कोई इंतहाई कदम ना उठाऊं, तो शराफत से चली जाना, वरना वरना क्या? वरना खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। हद हो गई मेरी बर्दाश्त की, अब मजीद दरगुजर नहीं करूंगा। खामखा में तलाक दे दूंगा। रंगे हाथों पकड़ लिया तो तलाक देने की धमकी दे रहे। अगर मैं उसे घर से निकलते हुए ना देखती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। पता नहीं कब से चक्कर चल रहा था उस चुड़ैल के साथ। घर से निकल जाने की धमकी दे रहे थे मुझे, जो इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। हक महर में मैं ये घर अपने नाम करा के बैठी हुई हूँ, इसलिए ये तो मेरा घर है। सामान बांध और निकल यहां से। उठ, सुना नहीं तूने क्या कह रहा हूं मैं? उठ 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 उठ। करना देख, तूने अपनी इस जबान से कितने लोगों को तकलीफ दी, कितने लोगों पर बोहतान दराजी की, और आज खुदा ने तुझे इस जबान से महरूम कर दी। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बहुत बदनसीब, बहुत बदनसीब। वो जो चोट मैंने लगाई, कितना समझाया तुझे, लेकिन तेरी समझ में ना आई। मुझसे माफी मत मांग,
अपने रब से मांग, उन लोगों से मांग जिनका तूने दिल दुखाया है। बदबख्त औरत, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, रहम भी नहीं।